घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका हरे हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानंकु सिद्धार्थ भक्तिर जाईफुला मालिका को स्वागत करुछु। आम्भे माने पूर्व अध्याय आलोचना करुथिले महापुरुष आगत भविष्यत को नहीं देइथिबा सूचना संपर्क जहाँ कि गोटे परे गोटे सत्य हो चली भक्त बंधु पुनश्च महापुरुष कहते कलीजुगर जितेबले अंत समय आसीबो सत्यर प्रकट हबो मिथ्या आस्ते आस्ते दूर को चली जतने जो माने एबेकार राज्य शासन करते नथिबे दम्भी अहंकारी समस्ते नष्टभ्रष्ट हो जाए आ राजा किए हम महापुरुष कौन एक जाईफुला मालिकार किसी लिखिंट आगत भविष्य सूचना कौन दे भक्त बंधु से कथा को आज आम आलोचन रखिबु। आओ भगवान कहा को राज्य आसन बसईबे राजा आसन देवे राज्यर राजा किए हम भक्त बंधु कौन जाईफुला मालिकार यार किसी प्रमाण अच्छी अति सुंदर प्रमाण महापुरुष अच्युत कौन कहले कहे बलदेव हेबे राजा बलदेव हेबे राजा बलदेव हेबे राजा बलदेव हेबे राजा पालिबे जे से हुजन कर जालो जाई फूल पुणी सत्यर उड़ी बधजा पुणी सत्यर उड़ी बधजा पुणी सत्यर उड़ी बधजा पुणी सत्यर उड़ी बधजा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की भक्त बंधु एटी महापुरुष कहते बलदेव हेबे राजा राजा हेबे बलदेव संग्रामे चपल शशांक धवल श्री काम पालं भजे से देवदेव महादेव शंकरंकर अवतार से देवदेव महादेवंकर स्वरूप धारण करिथिबा कर्पूर गौरंकण करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि से शंकरंकर स्वरूप बोला जाउथिबा जेमिति जगन्नाथ को भगवान विष्णु सुभद्रिका को ब्रह्मा आ बलदेव को शंकर बोली कहा जाए से बलदेव राजा हेबे शंकरंकर स्वरूप स्वयं शंकरषण भगवान आज महापुरुष अच्युत कहते बलदेव हेबे राजा कान्हू परिचार बसिब सुधर्मा सभा जाजनगर धार जाजनगर ठार सुधर्मा सभा बसिब आम पूर्व एक आलोचना करु आज भक्त बंधु जाईफुल मालिकार यार ठोस प्रमाण मिलला आउ प्रमाण हूँ बलदेव हेबे राजा पालिबे जे से जन पर जालो जाईफुल पुणी सत्यर उड़ब ध्वजा आउ ये समय भितर सत्यर ध्वजा उड़ब भक्त बंधु महापुरुष पुनश्च कहते कौन कहले कहे भाबीण च्युति कही भाबीण च्युति कही भाबीण च्युति कही भाबीण च्युति कही भाव बिनोदिया भाव लगाइलो जाई फूल भाभी भूपति करिबे भाई भाभी भूपति करिबे भाई भाभी भूपति करिबे भाई भाभी भूपति करिबे भाई बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की भूपति अर्थात भूमि जी अनंत धारण करिचंति भूमि को से कहिले भाबीण अच्युति कही अच्युत महापुरुष कहते भाव विनोदिया भाव लगाई आ भूपति बलभद्र को राजा करिबे स्वयं श्री जगन्नाथ जे संपूर्ण जगतर परिचालक आज बड़ भाई को राजा करिबे भाई भाईर संपर्क आगे चले बलभद्र मध्य चांद मुहिरे पछरे आसुचे कालिया गहल लगाइरे आपण माने विचार करिबे से महापुरुष अच्युत कहते आज बलदेव को राजा करिबे स्वयं जगन्नाथ भक्त बंधु केड़े सुंदर कथा देखंत आजिकल कलीजुगर कथा जदि विचार को नवा जदि बड़ भाई चाखेंडे जगह अधिक नहीं गला सान भाई कोर्ट कचेरी केस मकदमा केते कौन करने पछौना कहीं से नवना जदि जन को पचरा जाए आज दुनिया रे
तोर शत्रु किए सी कहि मो माँ पेटर भाई भक्त बंधु देखु बड़ भाईर सान भाईर भल पाइबा को कालिया सांतंकर से अपूर्व लीला को कहीं आप जगन्नाथ संस्कृति अनुप्राणित हे कहीं ग्रहण करेंगे कालिया सांत मणिमा को देख सारापर ये संस्कृति को कहीं अपणे ये भाई भाईर संपर्क भाई भौणीर संपर्क भक्त भगवान संपर्क जदि देखापी चाहते बड़देवल को आसतु श्रीक्षेत्र को आसतु भक्त बंधु से बड़ भाई को राजा करेंगे चाखेडे जगापाई हणाहणी बड़ भाई सान भाई किंतु देखु भाई भाईर संपर्क आज महाप्रभु श्रीजगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र को राज आसन बसईबे राजमुकुट पिंधाइबे भक्त बंधु जे पूर्व जजाति साप फले नृप आसन ना मही तले जजाति अभिशाप देते कृष्ण राजा ही ना से भाव बलदेव को राजा कर भक्त बंधु कलीजुगर से घटना घटव आ जो भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ बलदेव को राजा करेंगे पुनश्च महापुरुष कहते अति सुंदर पदरे कहते कौन कहले कले राजा सिंहासने बसवे बलदेव जे राजा सर्वनाश जीवे जेते कथे खंट पर जा गोविंद 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 भज राधा गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले राज सिंहासने आज बलदेव राजा आसन बसला जेतेक खंट परजा माने थिबे सर्वनाश जीवे सत्यर प्रतिष्ठा हबो खूब शीघ्र ये घटना घटवाक जाऊँ भक्त बंधु आपण माने लिखि रखंतु सत्यर प्रतिष्ठा हबो आउ सर्वनाश जीवे समस्ते नाश जीव बोली महापुरुष कौन आउ कौन हम महापुरुष कहले बलदेव राजा हेबा समय भितर समस्त खंट माने नाश जीवे एबेकार राज्य शासन सेबेकार राज्य शासन जितेबले सत्य आसीजीव सेतेबले समय किछ अलग प्रकार हो भक्त बंधु कहीं पूर्वर आम शासन देखीचे राजा तृतीय युगरे दशरथ राजा गुरु पाखु जाऊले आउ गुरु मानू नियोजित करूले साधु मान पाखे रखुले आंकठ धर्म शिक्षा करूले राज्य शासन कथा पचारूल एवं तो गुरु ना गुंडा तांकर राज्य शासन विचारधारा मगा जानेक जगार कौटी एक छत्रवादी शासन चल तो कौटी आज्ञा एमती नीति नियम या जो प्रजा अतिष्ठ हो भक्त बंधु एक आम पूर्व आलोचना करोहरबार बिलकुल आवश्यक ना खंड परजा मैंने बलदेव राजा होगा समय नाश जीवे जोबले बलदेव राजा हे कौन थी परिस्थिति पुनश्च महापुरुष भविष्यंत बालिकार कहते कौन कहले बोले भूमि भारा प्रभु हरिबे रोहिणी जे नंदन संगे थिबे सब स्थान रे सेही जग मोहन गोविंद 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 भज राधा गोविंद 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 भज राधा गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते प्रभु भूमि बाहर को हरण करिवे आउ संगरे सबु स्थान रे जगमोहन भगवान भगवान निजे स्वयं थिबे तांका पाखरे आउ पुनश्च महापुरुष कहते भूमि बारा प्रभु हरण करिवे सबु स्थान रे थिबे निजे स्वयं भगवान आउ भक्त बंधु पुनश्च महापुरुष अति सुंदर भाव कहते कहले यही समय भितर कौन हबो जेतिक सत्यर प्रतिष्ठा हेबा समय भितर सत्य जिते प्रकाश हम सेतबले कौन हम आस्ते आस्ते सिना अधर्म विनाश हेले धर्मर जय हम आउ अधर्म विनाश हेबा बेले कौन घटना घटव महापुरुष अच्युत कहते कहले बाळुत अच्युत बाणी बाळुत अच्युत बाणी बाळुत अच्युत बाणी बाळुत अच्युत बाणी बड़ लोक धरा होइबे पुणी लो जाई पुन बिना सरे सिर हे बगणी 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की निजक महापुरुष अच्युत बाळुत अच्युत वाणी निजक कोटी पिला अच्युत बोली कहिचन भक्त बंधु
निजकु जे छोट कर दिए निजकु जे अति निम्न कर दिए से भगवान मस्तक शोभा पाए। छोटिया दुबटीए अनेक कष्ट सह कर सारापर शेषे टाइर शोभा पाथ्वे आप देख बेले बेले अति अहंकारी निजकु भारी अहंकार रे भावु था मु सब जहाँ कौच सब ठीक कौच आठ अधिक कई किसी जाणी ना भक्तबंधु से स्थान बिल्कुल भगवान मस्तक नुह से भगवान पाद प्राप्ति करने भी योग्यता ना भक्तबंधु कहीं भगवान अति सुंदर भाव में कही अर्जुन रे सबु थिले तरीब अहंकार थिले मरीब अहंकार विमूढ़ात्मा मूढ़ कर दिए मनुष्य को। भक्तबंधु महापुरुष कहते निजकु किभली भाव में अति छोट कर बाड़ूत अच्युत बाणी बड़ लोक धरा होइबे पुणि देखंतु आस्ते आस्ते कौन घटना घटुच्छे जो बड़ लोक माने कोटि कोटि प्राचुर्य धरी बसी से माने आस्ते आस्ते धरा सब पड़ जा कोटि कोटि टंका रखिथिबा लोक माने आईन आखिरे खसी पारु नाहंती धरा पड़ जाउछंती कहीं विनाश रे शिर हेब गणि जेतबले विनाश आसीब ये समस्त कटा मुंड केवल पड़ भक्तबंधु जो माने अधर्मी जो माने दुष्ट से मानकर विनाश घटी भक्तबंधु खंडीए जगापाई आम आलोचना करुले भिन्न भिन्न होबे किंतु आज जेतबले श्री जगतर नाथ जगन्नाथ निज बड़ भाई को राज्य बसाई सत्यर प्रतिष्ठा करिवे भक्तबंधु सबुबेळ समय भितर बलभद्र श्री जगन्नाथ उभय प्रजा शासन करिवे आ सबुबेळ पई बलभद्रंकर पासे पासे थिबे जगन्नाथ तांकठु किए अछि बड़ ये संसार भितर तांकठु किए बा भल राजनेता अछि राजाधिराज से होचंते समस्तक भितर श्रेष्ठ भक्तबंधु से जगमोहन भगवान बलदेवंकर संगरे थिबे बोली महापुरुष अच्युत कहचन पुनश्च महापुरुष कौन कहले कलिजुगरे एमती एक समय आसव जो समय भितर रक्तर संपर्क को लोक पर करदे किंतु आज देखु भाई भाई कि भाव स्नेह आमे मैंने से कथा देखीचु जहाँ पुनश्च महापुरुष मालिका शास्त्र कौन कहले बड़ सुंदर पदर कहले भाई भाई भिन्न भिन्न खंडीए जागा को बाबू खंडीए जागा को पर करी देबे बाबू रक्त संपर्क को बाबू रक्त संपर्क को बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले भाई भाई भिन्न हेबे भिन्न भिन्न हो जीवे खंडीए जगह पाई कहीं से नबना आउ पर करी देबे बाबू रक्त संपर्क को रक्त संपर्क को मध्य पर करी देबे आउ सही समय रो घटना देखन जड़े भाई गोटे भाई को राजा करी देला परे आनंद हो आपटे देखु खंडीए जगह हणा हणी प्रभु रघुनाथ बनवास को जीवा समय भितर गुरु वशिष्ठ को प्रार्थना करुचंती हाथ जोड़िकी गुरुदेव मो बन भितर थिला बेले मो भाई भरत जेतबले राजा हेबो सेतबले मते टिके खबर देबे बन भितर को मो खबर जेमिति पाइबी मो भाई भरत राजा हिचंती भक्तबंधु आखिरे धार धार प्रभु राम कर लुह गड़ी जाउची जमिति आज कहुचंती बड़ सुंदर भाव रे टिके बन भितर को खबर पठेइबो काहिके ना केही जणे जदि मते पचारिबो अरे राम आज तो पर्ण कुटीर को काहिके सजेइचु मु सेतबळे कहिबी मो भरत आज राजगादी रे राजा होउचे मु सुंदर किरे कुटीर को सजेइ पारिथिबी अरे जगत जानिबो मु सिना राज्यर राजा नुहे हेले आउरी मोर मान्यता बढ़ी गला समस्ते कहिबे अयोध्यार जी राजा भरत ना राम होचंती तांको बड़ भाई राजांको बड़ भाई सम्मान अधिक होबना ना राजांको बड़ भाई टी भक्तबंधु देखंतु भाई भाईर संपर्क किंतु एबे रक्तर संपर्क को मनीष बोली
ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେବଳ ହଣାକୁଟା ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ପାଇ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେବା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତ ତ କେବେ ଅହମିକା କରେ ନା, ଆଉ ଭକ୍ତ କ'ଣ କହେ ଜାଗା ବାଡ଼ିରେ ପଶେ ନା ସିଏ। ଭକ୍ତ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ତୁମେ, ତ ଦେଇଛ ଯାହା ନେଉଅଛ ତୁମେ, ବାକି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ତୁମର, ଜଗୁଆଳି ଖାଲି ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବଳ ଜଗୁଆଳି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ଆରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମଣିଷ, ତୁ ଯେତେ ହେଇଥା ପଛେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେତେ ହୋଇଥା ବୁଦ୍ଧିଆ, ତୁ ଆସିଲା ପରେ ହୋଇଥିଲା ପରା ତୋ ଘରେ ଛୁତିକିଆ, ଆଉ ମରିଲା ପରେ ହେବ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ତୋ ପରିବାରକୁ କେହି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଛୁତିକିଆ ତୋର ହେଇଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଛୁଇଁଲେ ବ୍ରତ ମାରା ହେଇଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ କୋଟିପତି ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ତୋ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ? ପୁନଶ୍ଚ ମରିଗଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଛୁତିକିଆ, ମଲା ପରେ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ, ମରିଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପରିବାରକୁ ବି କେହି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଭାଗବତ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ସେ ଦିବ୍ୟତା ଭିତରେ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତା କାହିଁ? ହଣାକୁଟା ହେଇ ତ ଭାଇ ଭାଇରେ ଆମେ ମଲେ, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଝଗଡ଼ା, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହିଂସା, ସିଏ କାହିଁ କଲା ମୁଁ କାହିଁ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ସିଏ କାହିଁ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଘର କଲି ସିଏ ଏଇଟା କରୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି ସିଏ ସେଇଟା କରୁ, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆକୁ ସତ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ଏଇ ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା, ଯିଏ ଖାଇଗଲା ଖାଇଗଲା, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରଖିଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ଉଦାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେ ନେଇଯାଉ ଭଲରେ ରହୁ। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ନେଲା ତ ନଉ ସେ ଭଲରେ ରହୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ଭାଇର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଣିଷ ଭୁଲି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ, ଜଣେ ଭାଇ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ସହିପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଙ୍କୁ ରାଜା କରିବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମହତ ଲୋକ ରହିବେ, ହୀନ ଲୋକମାନେ ବି ରହିବେ, ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଗଧ ପିଲା ବି ରହିବେ, ଆଲୁଅ ଅଛି ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମାନେ ଆଲୁଅ ଅଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଗୀତା? କହିଲେ, ମହତ ମାନେ ଯେ ଅମହତ ହେବେ, ହୀନ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଜ, ବଉଳ ଲୋ ହୀନ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଜ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ, ଶୁଣ ବିନତା ତନୁଜ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, ମହତ ମାନେ ଯେ ଅମହତ ହେବେ, ମହାନ ମହାନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ନୀଚ ସ୍ତରକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ମାନହାନି ଘଟିବ, ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏ କଥା ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ମହାନ ମହାନ ଲୋକ କିଏ ଧନ ଟଙ୍କା ଠକିବାର ଘୋଟାଲାରେ ଫସିଲାଣି, ତ କିଏ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ଫସିଲାଣି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ନିଜର ଲୋଭ ପାଇଁ ମହତ ହରେଇବେ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି ତ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ମହତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମହତ ହେବେ। ଅମକ ଅଫିସର ଅମକ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ମହତ ହରେଇଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମିଶି ସବୁ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଡିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ମିଛକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସତକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବେ? ଆଉ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ତୁଟିଯିବ, ବିଷ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଭିନ୍ନେ ହୋଇ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହରେଇବେ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନେ ହେବେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନେ ହେବେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନେ ହେବେ,
भाई भाई भी नेवे जागा बाड़ी पाई गोल करिवे लो जाई फूल हणा हणी होई मरुथिबे हणा हणी होई मरुथिबे हणा हणी होई मरुथिबे हणा हणी होई मरुथिबे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत जाई फुला मालिकारे कहिले भाई भाई रे भिन्ने हेबे आउ जागा बाड़ी पई गोळ करिवे जा आमे पूर्वर आलोचना करूतले भक्त बंधु ता जाई फुला मालिकार प्रमाण आउ हणा हणी होई मरुथिबे परस्पर भितरे साधारण जगह पाई साधारण टंका पाई आज्ञा परस्पर भितरे हणा हणी हेबे भक्त बंधु 600 वर्ष पूर्वरु मालिका जहाँ लिखिला ताहा प्रमाण पेपर खोलू खोलू आपण मान देखिथिबे किभळे भाव रे भाई भाई रे हणा हणी होई मरुचंते भक्त बंधु पुनश्च महापुरुष कहिले ए कलि युग भितरे जन माने आकुल हेबे आ भगवान तांक डाक सुनिबे महापुरुष शून्य संगीतारे प्रमाण दैछन्ति आ कोन कहिले शून्य संगीतारे महापुरुष अच्युत कहिले अनेक लोक शोकरे मजिजिबे दुखरे मजिजिबे ई समय भितरे एमिति विपत्ति घोर विपत्ति आगुक आसुचि भक्त बंधु महापुरुष पुनश्च कोन कहउछन्ति शोकरे मजिबे बाबू होइबे आकुल बाबू होइबे आकुल कुटुंब मायारे मजी थीबे जे सकल बाबू थीबे जे सकल बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ग्रंथर ना हूँ शून्य संगीता शून्य संगीतार अच्युत कहते संसार मायारे पड़ी बड़ भाई चाहून सान भाई ठार भाग आणवाई घर को स्त्री आसो सी कह कहीं तुम छाड़ी दौ म से सब मारिपिट के खाइब सान भाई स्त्री आसो बड़ भाई की सब छाड़ी दवाटा ठीक नुह ताठ कि भाव आम जगह आम आणवना प्रतिदिन ये भाव में कुमंत्रणा दब आ फलस्वरूप बड़ भाई सान भाई भितर हणा हणी हे आनेक शोक मजी प्राण हर हृदघात हम अनेक केस सारा जीवन पर्यंत लग रिड़बन भक्त बंधु भाई भाई रे भिन्ने भाई भाई रे जो केस लग रही मरीज अनेक पीढ़ी बीती हेले से केस समाधान हो पारना एक महापुरुष अच्युत कहते भक्त बंधु पुनश्च जाई फुला मालिकार क्यों सब कथा आलोचना करगक महापुरुष अच्युत अति भयंकर कलीर आगत भविष्य सूचना दौरान भक्त बंधु से कथा आम्भे परवर्ती अध्याय आलोचना करवा आपण मैंने प्रतिदिन देखु जाई फुला मालिका दईवार नाम संकीर्तन करवा वाणी को विश्राम दबा ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।